नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक यूं तो एक के बाद एक बड़े बड़े निर्देश जारी कर रहे हैं, वो तमाम निर्देशों को आप देख भी रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा विभाग का सेल्फी वाला जो निर्देश है वो शिक्षकों को नागवार गुजरने लगा है। अब शिक्षक इस बात का विरोध करने लगे हैं कि भाई अगर आपने नियम जारी किया है, निर्देश जारी किया हुआ है और कह रहे हैं कि शिक्षक अपनी उपस्थिति जो है वो सेल्फी भेजकर दर्ज करें, तो ये सेल्फी वाला सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही जिले में क्यों है? आप पूरे बिहार में नियम लागू करने की बात करते हैं, पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, पूरे बिहार के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन अगर निर्देश का पालन सिर्फ एक ही जिले पर छोड़ दिया जाए, मतलब निर्देश जारी किया जाए और उसका पालन सिर्फ एक ही जिले से कराया जाए या अन्य जिलों में इसकी गतिविधि की जांच ना की जाए, तो ये कहां से जायज है? और देखिए, ये सवाल हम खुद नहीं उठा रहे हैं। अब सेल्फी वाले सिस्टम का जो विरोध है वो शिक्षकों ने करना शुरू कर दिया है और ये विरोध सबसे पहले किशनगंज में हुआ है, जहां के शिक्षक ये कह रहे हैं कि सेल्फी वाला सिस्टम से हम उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक ही जिले के लिए ये नियम क्यों है? तमाम जिलों की हम बात करें, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं कि अगर हम दूसरे जिले में देखें तो इस प्रकार का कोई नियम है भी अगर, तो उसका पालन नहीं कराया जा रहा है, तो सिर्फ किशनगंज के शिक्षक जो हैं सेल्फी भेजकर शिक्षा विभाग को अपनी उपस्थिति क्यों दर्ज कराएं और इसे लेकर क्या दलील दी गई है और क्यों पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है, ये भी आपको समझाएंगे। अब देखिए, किशनगंज की बात हो रही है। स्कूली शिक्षकों को सेल्फी भेजकर उपस्थिति दर्ज कराने की बाध्यता का विरोध शुरू हो चुका है। इस आदेश पर राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने पुनर्विचार की मांग उठाई है। कहना है कि सिर्फ किशनगंज जिले के शिक्षकों को ही नियम पालन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, जबकि अन्य जिलों के टीचरों के लिए ये अनिवार्य नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग को अपने इस निर्देश पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक जिले के शिक्षकों के साथ अलग व्यवहार करना कहीं से सही नहीं है। अब बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े बहादुरगंज प्रखंड अध्यक्ष कहते हैं कि किशनगंज जिले के शिक्षकों को सेल्फी से उपस्थिति भेजने की संबंधित जो विभागीय आदेश है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह भी बताया गया कि राज्य में मात्र किशनगंज जिले के शिक्षकों की ही उपस्थिति सेल्फी के माध्यम से भेजने संबंधित विभागीय निर्देश का पालन सभी शिक्षक कर रहे हैं। अन्य जिलों से जुड़े शिक्षकों के लिए सेल्फी में उपस्थिति भेजकर अनिवार्यता, मतलब सेल्फी से उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता नहीं। ऐसे में किशनगंज जिले के शिक्षकों के साथ बिहार के अन्य जिलों से जुड़े शिक्षकों पर भी आदेश समान रूप से और समान तरीके से लागू होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किशनगंज में ये नियम नहीं लागू होना चाहिए। ये बातें शिक्षक कह रहे हैं, शिक्षक संघ का कहना है, मतलब कि अब दलील ये दी जा रही है। लेकिन किशनगंज में जिस प्रकार शिक्षकों ने विरोध करना शुरू किया है, के पाठक ने जो आदेश जारी किया है, आपको पता है कि एक के बाद एक के पाठक तमाम तरह के आदेश जारी करते रहते हैं, और पिछले दिनों जो आदेश जारी किया गया था कि अब आप सेल्फी भेजेंगे और बताएंगे कि आप आए हैं कि नहीं आए हैं, मास्टर साहब रजिस्टर में भी घोलमोल कर देते थे, मास्टर साहब आने जाने की जो अटेंडेंस का मामला है उसमें भी घोलमोल कर देते थे, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए वाला चक्कर था। लेकिन के पाठक ने चारों तरफ से कस दिया जब, तो अब फजीहत बढ़ने लगी। लेकिन सवाल इनका भी वाजिब है, अगर ऐसा है कि बिहार के अन्य जिलों में इस नियम का पालन नहीं कराया जा रहा है, तो शिक्षा विभाग को इस पर विचार करना चाहिए। अब किशनगंज के शिक्षकों ने ये मांग उठाई है, हालांकि वो पूरी तरीके से विरोध नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं भाई सेल्फी भेज के उपस्थिति बताने के लिए, लेकिन आप तमाम जिलों में इस नियम का पालन कराइए ना, सिर्फ एक जिले में क्यों हो रहा है? और यही मांग जो है शिक्षक संघ ने उठाया है। देखना है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या अमल लेता है, और खासतौर पर के पाठक को अगर ये पता चलता है कि सिर्फ उनके निर्देश का पालन एक जिले में कराया जा रहा है, बाकी जिलों में नहीं हो रहा है, तो उसके बाद वो क्या एक्शन लेते हैं। पहला, बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।